तो दोस्तों आप यहाँ पे मेरा लोन का अप्रूवल देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टिंग पे जैसे मैंने लोन के लिए अप्लाई किया तो यहाँ पे मुझे पूरे 20,000 रुपये का लोन का ऑफर यहाँ पे देखने को मिल चुका है। अब जो मुझे 20,000 रुपये का लोन का ऑफर यहाँ पे देखने को मिला है तो यहाँ पे आप EMI भी देख सकते हैं कि 998 रुपये मेरी EMI यहाँ पे बन चुकी है। देखो मैं आपको पहले से क्लियर कर दूँ, आप अपनी EMI को बढ़ा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी 998 की ही यहाँ पे EMI बनने वाली है। अगर आपको 2,000 की EMI करवानी है तो आप 2,000 की भी EMI को आप यहाँ पे करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समय मिलेगा 24 महीने का, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको जरूरी नहीं आपको 24 महीने का यहाँ पे समय मिलेगा, आप यहाँ पे 6 महीने का भी ले सकते हैं, 12 महीने का भी ले सकते हैं, अपने हिसाब से 36 मंथ का भी आप यहाँ पे समय ले सकते हैं। इंटरेस्ट आपको लगेगा 18% के हिसाब से, वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इंटरेस्ट आपको 18% के हिसाब से लगेगा जो कि काफ़ी एप्लीकेशनों से काफ़ी यहाँ पे कम है। देखो अगर आपका भी लोन बार बार यहाँ पे रिजेक्ट हो जा रहा है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। देखो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा एक आपको आधार कार्ड, एक आपको यहाँ पे पैन कार्ड, अगर आपका सिबिल यहाँ पे कम भी है ना तो भी आपको इस एप्लीकेशन से यहाँ पे लोन मिल जाएगा। अब आपको लोन मिलेगा कैसे, उसके लिए आपको वीडियो को एकदम लास्ट तक यहाँ पे देखना। अगर आप मेरी वीडियो को कंप्लीट देते हैं और जैसे जैसे मैं यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करता हूँ उसी हिसाब से आप लोन के लिए अप्लाई करोगे तो तुरंत आपका 10 से लेके 20,000 रुपए का लोन आपका यहाँ पे अप्रूवल हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लोन की जो एप्लीकेशन थी मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, सिर्फ मुझे यहाँ पे वेरिफिकेशन यहाँ पे करवानी है, पूरे जो लोन है सीधा मेरे बैंक खाते के अंदर मुझे यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। अभी देखो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, मेरे साथ आपको वीडियो को स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाऊंगा और आगे चल के मैं आपको जितने भी डिटेल है सारे आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। तो देखो लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपना जो भी आपका पैन नंबर है वो पैन नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। आपको वीडियो को ध्यान से देखना है तो यहाँ पे अपना पैन नंबर यहाँ पे डाल देना है, नीचे आने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देना, जो भी आपको डेट ऑफ बर्थ है आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको नीचे आना है और नेक्स्ट वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे आप एक अगले पेज पर यहाँ पे आ जाएंगे। जब आप यहाँ पे अगले पेज पर आएंगे यहाँ पर लिखा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अब आपको यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे फिल करना है। उसके लिए आपको करना है कि यहाँ पे आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है, अगर आप सिंगल है तो सिंगल पे आपको क्लिक करना है, अगर आप मेल है तो उसके पे क्लिक करना है, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे जेंडर पे सिलेक्ट करना है, अगर आप मेल है तो मेल पे क्लिक करेंगे, फीमेल है तो फीमेल पे आपको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद आपको नीचे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, आपको सबमिट वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना आपकी जो रजिस्ट्रेशन है ना वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। जैसे आपने अपने मोबाइल नंबर को एंटर किया, जैसे एप्लीकेशन को एंटर करेंगे मोबाइल नंबर से आप इसको साइन अप करेंगे, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग पे 2 डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे देने हैं, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो कंप्लीट होने के बाद आपको अगले वाले पेज पे आ जाना। तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखो आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं ना उसका पिन नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, यहाँ पे आपको पिन नंबर यहाँ पे डाल देना है। नीचे आने के बाद जो भी आपकी सिटी है उस सिटी को आपको यहाँ पे डाल देना है, उसके बाद आपको नीचे आने के बाद दोबारा से नेक्स्ट वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको अगले वाले पेज पे आ जाना है। देखो यहाँ पे आपको मिलेगा अपने हिसाब से यहाँ पे लिखा 3,000 से लेकर 25,000 रुपये का आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। देखो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लोन ले लेना, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखो अगर आपको लोन को अप्रूवल करवाना है सबसे पहले आपको इस ऑप्शन को यहाँ पे चूज करना है, यहाँ पे आपको चूज करना है मेडिकल नीड, तो यहाँ पे आपको मेडिकल नीड पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे 10 वर्ष 6 मंथ का भी ले सकते हैं, 12 मंथ का भी और 24 मंथ का भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। और नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा वीकली का, अगर आपको वीकली का ऑप्शन चाहिए वो भी ले सकते हैं, अगर आपको EMI में मंथ का ऑप्शन थे तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आप वीकली के ऑप्शन को यहाँ पे क्लिक करते हैं आपको 1 हफ्ते के बाद आपको EMI पे करने पड़ेगी, अगर आप यहाँ पे EMI के ऊपर लेते हैं आपको 1 मंथ के बाद आपको EMI को पे करना पड़ेगा। अपने हिसाब से आप वीकली को भी क्लिक कर सकते हैं और 6 मंथ को भी आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगले वाले पेज पे यहाँ पे आ जाना है। जैसे आप यहाँ पे अगले वाले पेज पे आएंगे ना जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी थी कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज यहाँ पे आ चुका है और लोन एप्लीकेशन आपके यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो लोन एप्लीकेशन आपके कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद आपको अगले वाले पेज पे आ जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो लोन को अप्लाई किया था ना तो 20,000 रुपये के लोन को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग पे यहाँ पे बता दिया था। ऊपर आएंगे तो यहाँ पे लिखा प्लीज कंप्लीट यूवर द KYC, हमें जो अपनी KYC है उसको यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा। अब KYC कंप्लीट करने के लिए हमें करना है कि आपको नीचे आना है, प्रोसीड टू KYC वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना यहाँ पे आपको 2 डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे देनी है। अब जो पहला डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लेके आपको एक सेल्फी देनी पड़ेगी, पैन कार्ड आपको देना पड़ेगा, वो दोनों चीज आपको यहाँ पे अपलोड कर देने। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपने जो पैन कार्ड है उसको यहाँ पे अपलोड कर दिया। नीचे आने के बाद आपको अपनी सेल्फी को यहाँ पे ले लेना है, सेल्फी आपको एकदम क्लियर लेनी है। सेल्फी लेने के बाद आपको नीचे आना है और आपको सबमिट वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है।
उसके बाद आपको करना क्या, सबमिट करने के बाद आपको अगले वाले पेज पे आ जाना है। देखो यहाँ पे आपको मिलेगा बैंक की डिटेल, देखो जिस बैंक अकाउंट के अंदर आपको बैलेंस चाहिए उस बैंक अकाउंट का नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर की तरफ लिखा है बैंक डिटेल, आपको बैंक डिटेल में क्या क्या करना है, एंटर अकाउंट नंबर, जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर आपको डाल देना है। दोबारा से आपको अपना री एंटर अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देना है। आपको यहाँ पे एफ एस सी कोड को क्लिक कर लेना है, देखो जो भी आपका एफ एस सी कोड है आपको क्लिक करना है। सारा कुछ क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद आपको अगले वाले पेज पे यहाँ पे आ जाना है। जैसे आप यहाँ पे अगले वाले पेज पे आएंगे आपको दोबारा से बैंक की जितनी भी डिटेल है दोबारा से फिल करनी है, उसके बाद आपको इस चेक को क्लिक करना है, उसके बाद आपको एग्री वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो अब आपने जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे वेरीफाई किए हैं, यहाँ पे जो एप्लीकेशन है सारे डॉक्यूमेंट हमारे यहाँ पे वेरीफाई कर लिए है, उसके लिए हमारे को 2 मिनट का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको अगले पेज पे आ जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है यूर लोन एप्लीकेशन है अंडर प्रोसेस, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी आपके सामने जो भी आपका लोन का ऑफर होगा, कितना आपको टाइम मिलेगा, कितने आपके बैंक खाते में आएंगे, सारा आपकी डिटेल अभी यहाँ पे निकल के आ जाएगी। अब आपको थोड़ा सा वेट करना है, वेट करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद आपको अगले वाले पेज पे आ जाना है। अब जैसे मैं अगले वाले पेज पे आया हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है जो हमारा लोन का अमाउंट था 20,000 रुपए का, हमारे यहाँ पे लोन का अमाउंट था, मुझे प्रोसेसिंग फीस प्लस जीएसटी यहाँ पे लगी है 472 रुपए, ईएमआई अमाउंट जो मेरा ईएमआई रहेगी ना मेरे को 1,733 रुपए मेरी ईएमआई रहने वाली है। वीकली भी आप इसको कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था आप इसको हफ्ते के हफ्ते भी पे कर सकते हैं और आप इसको महीने के महीने भी यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आप 12 मंथ का मुझे यहाँ पे समय मिल चुका है। नीचे आएंगे मंथली इंटरेस्ट, मुझे लगता है 1.33% के हिसाब से। उसके बाद आपको करना क्या, आपको जो दो चेक के निशान दिख रहे हैं इसको आपको दो चेक के निशान को क्लिक करना है, उसके बाद आपको एक्सेप्ट वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब यहाँ पे लिखा है जो आपका बैलेंस है वो बैंक खाते में जाने के लिए अंडर प्रोसेस में यहाँ पे जा चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बैलेंस है ना आपका फोन का आपके बैंक खाते में आपको यहाँ पे रिसीव कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है लोन अमाउंट आपका 20,000 रुपए है, यहाँ पे लिखा है 1 से 2 दिन आपके यहाँ पे लग सकते हैं इस लोन को आने के लिए, बाकी इतना टाइम यहाँ पे नहीं लगता। उसके बाद आपको दोबारा से अगले पेज पे आ जाना है। जब यहाँ पे अगले पेज पे आएंगे ना तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल यहाँ पे निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं 20,000 रुपए का आपका लोन है, क्लोजर अमाउंट 18,333 रुपए आपके बैंक खाते में आ जाएंगे। वीकली मैंने लोन को अप्लाई किया 12 वीकली के लिए, अप्लाई यहाँ पे लोन देख सकते हैं, नीचे आएंगे प्रोसेसिंग फीस देख सकते हैं 472 रुपए, मंथली इंटरेस्ट आपको लगेगा 1.33% के हिसाब से, और आपके जब भी डेट यहाँ पे स्टार्ट होगी वो भी आप यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस लोन को मैंने आपके सामने अप्लाई करके दिखाया। देखो एप्लीकेशन का जो नाम है, अगर आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा होगा एप्लीकेशन का नाम आपको वीडियो के बीच में ही आपको मिल जाएगा और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पे यहाँ पे लगा दूंगा। उसके बाद आपको अगले पेज पे आ जाना है। तो यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखो आपकी जो भी ईएमआई बन के आएगी ना वो यहाँ पे ईएमआई बन के आ जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं 20,000 रुपए का हमारे यहाँ पे लोन है, हमारा लोन यहाँ पे एक्टिव हो चुका है क्योंकि जो लोन था मेरे बैंक खाते में मुझे यहाँ पे रिसीव हो चुका है। अब जो मेरी ईएमआई बन के आई है 1,733 रुपए मेरे ईएमआई बन के आ चुके हैं। ड्यू डेट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिर्फ आपको इसको सिंपल साइज को अपनी जो भी ईएमआई को पे करना है उसके बाद आपको पे वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जितने भी ईएमआई को आपको पे करना है तुरंत आप इसको अपनी ईएमआई को पे भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो भाई काफी अच्छी एप्लीकेशन है, एक आरबीएस अप्रूव्ड एप्लीकेशन है। अगर आपको पैसों की इंस्टेंट नीड है तो आप इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन का इंटरफेस कौन सा है, कैसे आपको अप्लाई करना है उसकी भी डिटेल में आपको आगे चल के यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आप इसकी रेटिंग को चेक कर सकते हैं, 4.6 की इसकी रेटिंग है। आप इसकी रेटिंग देख सकते हैं 4.6 की इसकी रेटिंग है और काफ़ी इसके डाउनलोड भी यहाँ पे अच्छे इसके यहाँ पे डाउनलोड यहाँ पे हो चुके हैं। तो उसके बाद आपको ऊपर की तरह आ जाना है, उसके बाद आपको इसके अबाउट सेक्शन पर आ जाना है। जैसे आप उसके अबाउट सेक्शन पर आएंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है एनबीएफसी इज द करंटली अवेलेबल और द ओवर प्लेटफॉर्म NDXP2P प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे इतना आपको पता चल गया। तो यहाँ पे आपको उसके बाद नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे लिखा है 25,000 रुपए तक का आपको यहाँ पे अमाउंट मिल जाएगा। टाइम आपको 3 मंथ से लेकर पूरे 6 मंथ का मिल जाएगा। आप अपने हिसाब से आप टाइम को उसको बढ़ा भी यहाँ पे सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। अगर आपको लोन अप्लाई करने में किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत है, ईमेल सपोर्ट आपको मिल जाएगा। काफी ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। वीडियो का जो बीच के अंदर ही मैंने एप्लीकेशन का नाम आपको यहाँ पे दिखा दिया है। जो वीडियो का पे कंप्लीट देखेगा उसको एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे मिल जाएगा। आसानी से आप लोन के लिए अप्लाई भी यहाँ पे कर पाएंगे।